घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच्ची घटना अमृतसर साहिब की। यह तकरीबन 40-50 साल पहले की घटना है। नाम आया है सरदार त्रिलोचन सिंह। इनकी श्री अमृतसर साहिब में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी साबुन बनाने की। बहुत बड़ी फैक्ट्री, अमीरों में गिने जाते थे। पर पिछले कर्म कुछ ऐसे आगे आए कि कुछ ही महीनों में नुकसान होते होते कर्जा सर पर चढ़ गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। परेशान हो गए कि जो भी काम करने जाते हैं नुकसान हो जाता है। कहां धनवानों में गिने जाते थे, कहां कर्जा सर पर चढ़ गया। परेशान बैठे हैं, कभी कहीं भटकते हैं, कभी कहीं। पर लिखा है कि किसी ने बताया कि फलानी जगह पर पूर्ण महापुरुष बैठे हैं, उनके पास चले जाओ। महापुरुषों के पास गए, जाकर अपनी व्यथा सुनाई, रो पड़े। महापुरुष कहने लगे उसकी टेक पकड़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टेक सरदार त्रिलोचन सिंह जी कहने लगे, कैसे, आप हुक्म कीजिए क्या करें। महापुरुषों ने हुक्म दिया कि 40 दिनों के लिए घर में श्री सुखमणि साहब जी के अखंड पाठ आरंभ कर दो। 40 दिनों के लिए, जैसे यहाँ पर चलते हैं ना दिन रात पाठ, इसी प्रकार कि घर का एक सदस्य उठे दूसरा बैठ जाए, दूसरा उठे तीसरा बैठ जाए, सुखमणि साहब जी की वाणी बंद मत होने देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरदार त्रिलोचन सिंह ने अपने परिवार के साथ बैठकर बातचीत की और रात को पाठ आरंभ कर दिया। सात संगत जी तकरीबन 5 दिन बीते हैं, सिर्फ 5 दिन। इन्होंने हिम्मत करके कहीं से 25,000 रुपए कर्जे के लिए, 25,000 रुपए कर्जा लिया और फिर से साबुन बनाने की कोशिश की। भट्टी में आग जलाई, बड़ा सारा कढ़ाया होता है जिसमें साबुन बनता है, उसमें सारी साबुन बनाने की सामग्री डाली। पर नेत निरंकार की वो कढ़ाई नीचे से टूट गई और सारी सामग्री भट्टी में गिर गई और वेस्ट हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भट्टी भी खराब हो गई, कढ़ाई भी टूट गई, 25,000 का कर्जा भी चढ़ गया सर पर। अब त्रिलोचन सिंह नाराज होकर महापुरुषों के पास गए, कहने लगे, घर में श्री सुखमणि साहब जी की वाणी चालू है, 5 दिन हो गए और हम पर और नुकसान हो गया, 25,000 का कर्जा भी सर पर चढ़ गया, क्या फायदा हुआ सुखमणि साहब जी के वाणी को आरंभ करके। घर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने भरोसा दिलाया, कहने लगे, विश्वास रख सुखमणि साहब जी की वाणी पर, ये कार्य सवारती है, बिगाड़ती नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। श्री सुखमणि साहब जी की वाणी कार्य सवारती ही है, बिगाड़ती कभी भी नहीं। कहने लगे, 40 दिनों तक पाठ बंद मत होने दें, देख निरंकार के रंग वाणी की ताकत। सात संगत जी 2-3 दिनों बाद उन्होंने फिर से 25,000 रुपए का कर्जा लिया। अब की बार जब वो भट्टी को रिपेयर करने लगे, बनाने लगे, तो जमीन खोदी, क्योंकि सामग्री जमीन के अंदर चली गई। जब वहां पर जमीन खोदी तो अंदर से बहुत ही भयंकर जादू टोने का सामान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस सामान के साथ एक कागज जिस पर घर के हर सदस्य का नाम लिखा हुआ, हर सदस्य का नाम लिखा हुआ, उन्होंने ये सामग्री ले जाकर महापुरुषों को दिखाए। महापुरुष कहने लगे, ये तो ऐसा
किसी ने बुरा सोचा था आपका कि जिन जिन सदस्यों का नाम लिखा हुआ था ना, एक एक करके सबकी मृत्यु हो जानी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु, सब ने मर जाना था एक एक करके। ये तो कुछ भी नहीं, ये जो नुकसान हुआ फैक्ट्री का। कहने लगे सुखमणि साहब जी के बाणी की ताकत देखो, 5 दिनों में मौत काट दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दबाने वाले ने कैसी जगह ढूंढी कि ढूंढ ही ना सको, पट्टी के नीचे। पर सुखमणि साहब जी की बाणी की ताकत के कड़ाई टूटी, सामग्री अंदर गई। बट्टी जब बनाने लगे तो वो सामग्री बाहर आ गई। महापुरुष कहने लगे 40 दिनों तक ये पाठ छोड़ना मत। अगर 5 दिन में मौत टल सकती है, 40 दिनों तक अगर पाठ करेंगे सुखमणि साहब जी का दिन रात, तो आपके गए हुए सारे सुख भी वापिस आ सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच्ची घटना है साध संगत जी, मेरी माता ने मुझे बताया कि ये जो परिवार है, अमृतसर शहर में हम रहते थे पहले, तकरीबन 30 साल पहले, तो ये परिवार हमारे पड़ोस में रहता था। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कहते हैं ये मेरी देखी हुई घटना है, सुनी हुई नहीं, एक होता किताबों में पढ़ी हुई, ये सच्ची घटना है जो हमने अपनी आंखों से देखी। श्री सुखमणि साहब जी की वाणी की ताकत, उसके आगे कोई जादू टोना कुछ भी नहीं ठहर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता सब कुछ है, पर जहां पर वाणी आ गई, जहां पर नाम आ गया, वहां पर इन चीजों को कचरे के डब्बे में भी जगह नहीं मिलती। महापुरुषों के वचन है कि जिस घर में अमृत वेले श्री सुखमणि साहब जी की वाणी पढ़ी जाती है, उस घर में किसी भी बुरी जादू टोने जैसी चीज, कोई बुरी प्रेत आत्मा को कचरे के डब्बे में भी जगह नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्यों ना टेक लें इसकी, क्यों नहीं लें। जाको टेक तुम्हारी स्वामी, ताको नहीं चिंता। पर इस परिवार में जो किताब में लिखा है, कहने लगे कि 40 दिनों बाद इन्होंने श्री सुखमणि साहब जी के पाठ बंद नहीं कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी से हमेशा के लिए जुड़ गए सारा परिवार, कि जिस बाणी ने मौत टाल दी, सारे गए हुए सुख वापस आ गए। इस बाणी को आसरा कैसे छोड़ दे, इस बाणी का आसरा कैसे छोड़ दे, इसकी टेक कैसे छोड़ दे। हम भी यहाँ से शिक्षा लें, जब भी वाणी पढ़ के अमृत वेले उठ के नाम जप के हमारा कोई कार्य सिद्ध हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद वाणी बंद, पाठ बंद, नेम बंद नहीं। अरे जिस नेम ने सब कुछ दिया है, उसे कैसे छोड़ दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।